आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 59,508 पहुंच गया है, वहीं 968 लोगों की मौत हो गई है। हल्द्वानी में ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत। आर्मी कैंट गेट के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह हल्द्वानी काठगोदाम के मध्य आर्मी गेट के पास पिलर नंबर 84/1/2 पर एक अधेड़ रेलवे ट्रैक के बीच कटा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना रेलवे को दे दी है। कोटद्वार में 15 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत। हरियाणा के फरीदाबाद के 5 लोग इनोवा कार से एक शादी में शिरकत करने पौड़ी जनपद के रथु वाधड़ गांव जा रहे थे, तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं। रामनगर में डंपर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, जख्मी। रामनगर के पीरू मदारा के पास अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों द्वारा युवक को रामनगर के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां घायल की हालत को देख डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया है। उत्तरकाशी में भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से जख्मी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के नॉल्ड गांव में खेतों में घास काट रही महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी प्रकार भालू को वहां से भगाया। अवैध खनन करते हुए 2 वाहन सीज, होगी कार्रवाई। डोईवाला में पुलिस लगातार अवैध खनन को लेकर कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस ने गुरुवार को जाखन नदी में अवैध खनन करते हुए 2 वाहनों को पकड़कर सीज किया है। इनके वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में महिला ने पति और देवर के खिलाफ दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। बनभूलपुरा थाने में एक महिला ने अपने पति और देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, 24 घंटे के भीतर गुलदार ने 2 छात्राओं को मार डाला, दहशत में लोग। गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुलदार के हमले एक के बाद एक राज्य में सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नैनीताल जिले का है, जहां पिछले 24 घंटों के भीतर गुलदार ने 2 छात्राओं को अपना शिकार बना लिया है। इससे लोग जहां दहशत में हैं, वहीं इन घटनाओं को लेकर खासे आक्रोशित भी हैं। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक कुकना गाँव के बजवाल टोक में गुलदार ने एक 18 साल की लड़की को मार डाला। 24 घंटे के भीतर 2 छात्राओं को गुलदार ने मार डाला। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम कोकना गांव निवासी प्रकाश परगाई की 18 साल की बेटी चंपा अपने घर से कुछ दूर घास काट रही थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गुलदार उसे घसीटकर जंगल में ले गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार चंपा को छोड़कर भाग तो गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। करीब 2 घंटे बाद ग्रामीण उसे जंगल में ढूंढ सके। लोगों ने मामले की जानकारी विधायक को दी, जिसके बाद विधायक ने DFO TR बीजूलाल को सूचित किया और पिंजरा लगाने के लिए कहा। रुद्रप्रयाग में गढ़वाल सांसद तीरथ रावत ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जिले में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट से सांसद तीरथ सिंह रावत संतुष्ट नजर आए। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सड़क हादसा, पीड़ित परिवार से मिली मेयर अनीता ममगई, हर संभव मदद का दिया भरोसा। नगर निगम ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगई शुक्रवार को सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस घटना को उन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। कोयल घाटी से लेकर चंद्रभागा पुल तक होगा 4 लेन का निर्माण, NH मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। हाई कोर्ट के आदेश पर NH अधिकारी ऋषिकेश में हाईवे के किनारों से अतिक्रमण हटाने में लगे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ NH पर कोयल घाटी से लेकर चंद्रभागा पुल तक 4 लेन का निर्माण लोनिवी ने इसके लिए 14.5 करोड़ का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भेजा है। काशीपुर की हेमा देवी ने किया देह दान, मेडिकल रिसर्च में आएगा काम। उधम सिंह नगर के बाजपुर निवासी हेमा देवी ने अपना शरीर दान किया। उनकी मृत्यु के पश्चात मुरादाबाद के तीर्थ कर महावीर यूनिवर्सिटी से आई मेडिकल टीम को परिजनों ने उनका पार्थिव शरीर सौंपा। हेमा देवी ने मरणोपरांत देहदान की करने की इच्छा जताई थी। इस बार अकेला जलेगा रावण, वो भी बस इतने फीट का।
देहरादून के परेड ग्राउंड का दशहरा मेला राज्य का सबसे बड़ा दशहरा मेला और रावण दहन माना जाता है। इसे देखने के लिए परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती है। इतना ही नहीं कि परेड ग्राउंड में जगह ही नहीं मिल पाती थी, वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थी। यहाँ तक कि दशहरे वाले दिन अलग से ट्रैफिक प्लान बनाना पड़ता था, लेकिन इस बार लोगों को पहले जैसा नजारा नजर नहीं आएगा। परेड ग्राउंड में होने वाला ऐतिहासिक रावण दहन कार्यक्रम इस बार रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल में होगा। इस बार रावण की ऊंचाई घटाकर 10 फीट कर दी गई है। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन नहीं होगा। दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी समिति के अध्यक्ष संतोष नागपाल ने बताया कि पहले रावण की ऊंचाई 15 से 17 फीट तय की गई थी, अभी इसे घटा दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल में कॉलेज से लौट रही छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश, सिर पर पत्थर से वार। उत्तराखंड में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ताजा मामला पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल तहसील का है, जहां कॉलेज से लौट रही छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश की गई, लेकिन बहादुर बेटी ने हिम्मत दिखाई और आरोपी का विरोध कर गंभीर हालत में बस स्टैंड तक पहुंची। तभी कॉलेज के किसी स्टाफ की नजर छात्रा पर गई और वो छात्रा को बेस अस्पताल कोटद्वार ले आया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बाजार में लगी भीषण आग, अतिक्रमण के कारण समय से नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड। लक्सर मेन बाजार घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें हजारों की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हजारों रुपए का नुकसान हो चुका था। वहीं अतिक्रमण के कारण फायर ब्रिगेड भी समय पर नहीं पहुंच पाई। हरिद्वार में गंगा नदी में पड़ा मिला अधेड़ व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस। लक्सर के बाण गंगा नदी क्षेत्र में अज्ञात अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे लोगों की नजर शव पर गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना लक्सर कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त की। मिली जानकारी के अनुसार बाण गंगा नदी के पास तकरीबन 50 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा मिला। खेत में काम कर रहे व्यक्तियों ने गंगा नदी में पड़े शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और गंगा में मिले शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और शव की शिनाख्त की। मृतक की पहचान खानपुर निवासी ऋषिपाल पुत्र अतर सिंह 55 वर्षीय के रूप में हुई। वहीं पुलिस छानबीन में जुटी है कि यह हत्या है या आत्महत्या। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का 2022 में चुनाव न लड़ने का ऐलान। चुनावी माहौल के बीच उत्तराखंड की राजनीति और भाजपा संगठन से बड़ी खबर है। बता दें कि इन दिनों चर्चाओं में आए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे उत्तराखंड में सियासी तूफान आ गया है। भाजपा समेत विपक्षी पार्टी और आम जनता इससे अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। बता दें कि कैबिनेट और वन मंत्री हरक सिंह रावत 2022 में चुनाव न लड़ने की बात कही है, जिससे उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाएं होने लगी है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने प्रदेश संगठन को चुनाव न लड़ने से अवगत करा दिया है। हरक सिंह ने कहा कि प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार को उन्होंने 2022 में चुनाव न लड़ने की बात से अवगत करा दिया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन जनता की सेवा करते रहेंगे। व्हाट्सएप में अब परेशान नहीं करेंगे फालतू नोटिफिकेशन, आ गया नया फीचर। अगर आप व्हाट्सएप पर अनचाहे ग्रुप्स के नोटिफिकेशन से परेशान हैं, तो अब आपको इससे मुक्ति मिलने वाली है। व्हाट्सएप पर नया अपडेट आ चुका है। नया अपडेट में एक नया फीचर है, यह एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के यूजर्स के लिए है। ग्रुप या चैट के नोटिफिकेशन हमेशा के लिए म्यूट करने का ऑप्शन मिल चुका है। अक्सर लोगों के व्हाट्सएप में कई ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका मेंबर होना मजबूरी होती है। ये फैमिली ग्रुप के साथ ही कुछ अन्य ग्रुप भी हो सकते हैं, जिनके मैसेज आपके काम के नहीं होते। ऐसे ग्रुप को अब हमेशा के लिए म्यूट किया जा सकता है। उनमें आने वाले मैसेज के फालतू नोटिफिकेशन अब आपको परेशान नहीं करेंगे। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने ट्विटर अकाउंट में ग्रुप्स में मिल रहे ऑलवेज म्यूट ऑप्शन के बारे में बताया। हरिद्वार में साइबर ठगी का शिकार हुई महिला, पेटीएम खाते से निकाले 9.67 लाख। प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में रहने वाली उर्मिला देवी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक फ्रॉड कॉल के जरिए उनके पेटीएम खाते से 9.67 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। श्रीनगर में पुलिस के हत्थे चढ़ा स्मैक तस्कर, भेजा गया जेल। प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में स्मैक तस्करी का जाल काफी तेजी से फैल रहा है। कारोबारी इसके लिए स्थानीय युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कड़ी में पुलिस ने श्रीनगर के ग्राम बंदरखंड गौचर के रहने वाले एक युवक को 4.76 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50,000 रुपए है।